नमस्कार। जैसे हम रूटीन में बात करते रहते हैं हेल्थ के लिए, ऐसे ही ये अवेयरनेस है एक ट्रांसजेंडर, जिसमें हम रूटीन में आम लोगों को इसके बारे में नहीं पता भी ट्रांसजेंडर क्या होता है। जहाँ कई बार पता होता है बेसिकली, कैसे जैसे मर्द से स्त्री बनना, स्त्री से मर्द बनना, ये एक ट्रांसजेंडर है। जहाँ क्योंकि ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अभिनव लखियानी जी प्लास्टिक सर्जन है, क्योंकि ये इनका ही काम है, यही रूटीन में करते हैं ट्रांसजेंडर। बेसिकली ये डॉक्टर साहब, पहले तो ये है क्या और किन किन लोगों को ये ज़रूरी होता है, या क्या क्या इसके प्रोसीजर है जिसमें ये ज़रूरी है वे करवा लेना चाहिए, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या कहीं नहीं कराना चाहिए? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अभिनव लखियानी, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, गुरुदेव हॉस्पिटल। आज हम एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है और समाज में बेसिकली नेगलेक्टेड टॉपिक है, ट्रांसजेंडर, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं सर से। पहली बात तो ये बताते हैं ट्रांसजेंडर होता क्या है। ट्रांसजेंडर वो होता है जो बेसिकली मेल है या फीमेल है, लेकिन वो अपने आप को ना मेल आइडेंटिफाई करते हैं, वो अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं, और जो फीमेल हैं वो अपने आप को फीमेल ना आइडेंटिफाई करते मेल आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली इसको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में इनको बनहिंजड़े, किन्नर, अरावत, ये सब बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। अब बेसिकली ये सोसाइटी के ऐसे पार्ट हैं जो सोसाइटी में लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते और इनको एक तरीके से आउटकास्ट करते हैं। तो दोनों ही प्रॉब्लम है इनके साथ, सोशल प्रॉब्लम भी है और साथ में लीगल प्रॉब्लम भी है कि सोशली ये अनएक्सेप्टेबल है और इस चक्कर में लीगल इनको राइट्स नहीं मिलते। अब मेडिकल प्रोफेशन में इनका कैसे इनका है कि बेसिकली पहली बात तो ये होता क्या है, होता ये है कि एक आदमी होता है उसको लगता है कि मैं अंदर से फीमेल हूँ, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, और लेकिन उसकी बनावट मेल जैसी होती है, या कहियों की बनावट भी पूरी तरीके से मेल नहीं होती, और अंदर से भी वो अपने आप को और दिमाग से भी वो अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का इलाज पॉसिबल है, और इसका इलाज है ना मल्टीपल स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है कि पहले तो उनको एक गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं कि एक्चुअली उनका जेनेटिकली क्या जेंडर है। जैसे अगर जेनेटिकली वो सपोज मेल ही है, ठीक है, और लेकिन वो अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई करता है, तो उसको हम उसको जेंडर मेल देंगे। और कहीं का क्रोमोसोम के लेवल पर गड़बड़ है कि वो एक्सेस है लेकिन उनकी बनावट मेल की तरह हो गई है, तो उनको हम फिर फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उनका हम भेजते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट उनका इवेलुएट करता है कि भाई वो दिमागी तौर पे क्या है। उसमें इनका स्कोरिंग होती है, उसको बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर स्कोरिंग सिस्टम। उसमें फिर उसकी स्कोर करते हैं, अगर उसका दिमाग पूर्ण तरीके से फीमेल है और साइकेट्रिस्ट कन्फर्म्ड है कि भाई ये दिमागी तौर पर एक फीमेल ही है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर, या फिर उसको बोलते हैं कि ये बंदा जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। अब इसका कोई दवाइयों से उनका इलाज नहीं है, इसमें उस चीज़ उस बंदे को अपनी आइडेंटिटी चेंज करके मेल से फीमेल बनना पड़ता है, फीमेल से मेल, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो अल्टीमेटली उसका दिमागी तौर पे इतना परेशान हो जाता है कि वो कोई और उसको दिमागी बीमारी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बेटर है कि आप उनको इस चीज़ को सोसाइटी भी एक्सेप्ट करें और लोग भी एक्सेप्ट करें कि भाई अब वो उसको उस आइडेंटिटी में नहीं रहना और चेंज होना है। बिल्कुल सही बात। ये सर फिर इसमें जो चेंज भी करना है, इसके लीगली भी उसका होता है? हाँ जी सर, इसका बिल्कुल एक लीगल तरीका है। लीगल तरीका ये होता है कि जब उसका कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई इसको इस बीमारी से ग्रसित है, तो पहले वो अपने आप को उस दूसरे जेंडर में आइडेंटिफाई करता है, फिर उसके बाद वो मजिस्ट्रेट को अप्लाई करता है कि भाई हम मेरा जो जेंडर है वो चेंज करा जाए। तो मजिस्ट्रेट उसका मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा कराता है, या अगर उसके पास पहले से पूरा उसके रिकॉर्ड्स हैं तो लेता है। उसके बाद फिर वो प्लास्टिक सर्जन के पास आता है कि जिधर वो कहता है कि भाई अब ये मेल है इसको फीमेल बना दीजिए, जो भी उसको फीमेल के अंग होते हैं वैसा उसमें बना दीजिए। जब वो बन जाते हैं उसके बाद फिर दोबारा मजिस्ट्रेट कन्फर्म करता है, फिर उसका मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट मिलता है कि इसका ये आप जेंडर चेंज कर लीजिए। उसके बाद फिर वो अपना आधार और बाकी डॉक्यूमेंट्स है उनमें अपना वो ट्रांसजेंडर में आता है। 2014 के बाद ट्रांसजेंडर को तीसरा जेंडर गवर्नमेंट ने अप्लाई मान्यता दे रखी है, लेकिन शर्त है कि आप पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करें। अगर आप पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करते हैं तो फिर आपको पूरे जो आपके हक हैं
सारे जो हैं जैसे प्रॉपर्टी राइट्स हो गई या कोई भी लीगल इंटाइटलमेंट हो सब मिलते हैं, लेकिन अगर आप धड़ अपनी मर्जी से जाके करा लेंगे और फिर आधार पे अपने आप को मेल रखेंगे या वैसे करेंगे तो उसमें सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली जैसे डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ये वैसे तो इजी है, कोई इतना ज़्यादा वो तो नहीं है। नहीं नहीं सर, ये बिल्कुल सेफ सर्जरीज में आती है, ऐसे कोई सर्जिकली इतना कोई इशू नहीं आता इनमें, लेकिन हाँ लीगल फ्रेमवर्क पूरा होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जैसे डॉक्टर ने बताया, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके कंट्रोवर्सी चीज़ें हैं। हम भी इसको करने से पहले पिछले 3 महीने से सोच रहे थे भाई इसके पे बात करें ना करें। बेसिकली मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है, सबसे पहले जैसे डॉक्टर ने बताया, कोई फीमेल है उसने मेल बनना है, या मेल है उसका फीमेल की तरफ वो है, सबसे पहले उनको यही चाहिए। या कईयों की आवाज़ ऐसी होती है, कईयों की चाल ऐसी होती है, कई बार लोग शादी नहीं करते उन बच्चों की, क्योंकि वो प्रॉब्लम उनमें होती है, इसलिए भी शादी नहीं करते। बेसिकली चाहिए उनको ये कि डॉक्टर, जैसे डॉक्टर साहब हमारे, प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं। प्लास्टिक सर्जन एडवाइस करेगा गायनी को, प्लास्टिक सर्जन ही एडवाइस करेगा सेक्रेटरी पूछने के बाद। उसके बाद उनकी कंसल्टेशन ली जाएगी, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे, जे उसका बनता होगा तभी होगा, अदरवाइज अनएथिकल तरीके से कराएगा तो डॉक्टर को भी प्रॉब्लम आएगी, देन पेशेंट को भी प्रॉब्लम आएगी आने वाले समय में, सबको आएगी ठीक है प्रॉब्लम। ना। हाँ, क्योंकि वो पेशेंट को आज आज वो हो सकता है मानसिक तौर पे पीड़ित हो, उसने करवा लिया तो कल को उसको जब वो नॉर्मल होगा तो उसको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सो ये करते हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जन का ही काम होता है। बेसिकली हमारा बताने का मतलब ये भी ये इसको बहुत बड़ा इशू ना बनाएं, जिसको नीड है उसको डॉक्टर को मिलके अपनी कंसल्टेशन लेके पूरे डॉक्यूमेंट्री, जैसे जुडिशियल से परमिशन होती है, डॉक्टरों से के एक राइट्स होते हैं, पेशेंट के राइट्स होते हैं, उसको पूरा करके तभी कराना चाहिए। ऐसे हम इन चीज़ों पे आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद, सत श्री अकाल।